हे व्हाट्सअप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। हम जानते हैं दुनिया में कई ऐसी चीजें होती हैं जिस पर हम विश्वास नहीं करते। दुनिया में कई ऐसी भी ताकतें हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं बट हम बिलीव नहीं करते। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमने उन्हें देखा नहीं है। तो आज इस वीडियो में हमने कुछ ऐसी ही कोशिश की है जहां पर हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया भर से इकट्ठी की गई कुछ ऐसी डरावनी और भूता घटनाएं जो आपको चौंका कर रख देंगी। ये वीडियोस दावा करती हैं कि इन्होंने रियल भूत को कैमरा में कैप्चर किया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी टाइप की हॉन्टेड भूता और मिस्टीरियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। ये एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज है जिसे अपलोड किया है वायरल हॉक ने। देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी बिल्डिंग की कार पार्किंग का फुटेज हो। पहले तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, ये रात के टाइम का फुटेज है। फिर अचानक से उल्टे हाथ की तरफ से एक व्हील चेयर अपने आप ही बाहर निकल कर आती है और वो चलने लगती है। पहले ये व्हील चेयर बाहर की तरफ जाती है, फिर अपने आप ही रुक जाती है। थोड़ी देर तक तो ये व्हील चेयर वहीं पर रुकी रहती है, उसके बाद में ये पीछे की तरफ रिवर्स आने लगती है। ऐसा लगता है ये कैमरा की तरफ आ रही हो। इसके बाद ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। देखने में ये वीडियो वाकई में डरावना लगता है क्योंकि भला कोई भी व्हील चेयर अपने आप कैसे चल सकती है। बट यहाँ पर कई लोगों ने इसके ऊपर सवाल भी खड़े किए। उनका ये मत था, ये तर्क था कि हो सकता है कि इसे कोई रिमोट से ऑपरेट कर रहा हो। बट जो बिल्डिंग में लोग रहते हैं उन्होंने ये बात क्लियरिफाई की कि ये जो व्हील चेयर है ये एक नॉर्मल व्हील चेयर है, ये कोई रिमोट वाली नहीं है। एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि भला जैसे ही चेयर पीछे आकर रुकी तभी ये कैमरा क्यों बंद हुआ। तो इसका जवाब ये दिया गया कि ये एक मोशन एक्टिवेटेड कैमरा है, जब मोशन नहीं होता तो ये रिकॉर्डिंग नहीं करता। एक चीज़ और यहाँ पर नोट करने वाली यह है कि जब ये कैमरा कैप्चर कर रहा था तब आसपास के लोगों को भी इसके बारे में भनक नहीं थी। जैसा कि आप देख सकते हैं उल्ट सीधे हाथ की तरफ एक घर है, उसमें एक खिड़की में एक आदमी कुछ मूवमेंट करता हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ पर पहले आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए, उसके बाद उस पर डिस्कस करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूसली एक मक्खी भी उड़ती हुई नज़र आ रही है और मक्खी की जो स्पीड है वो बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि कई लोगों ने यहाँ पर यह भी इल्ज़ाम लगाए थे कि यह एक टाइम लैप्स या फिर स्टॉप मोशन वीडियो हो सकता है। तो इस मक्खी की स्पीड देखकर हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकते हैं कि ये वीडियो ना तो टाइम लैप्स का वीडियो है और ना ही स्टॉप मोशन का यहाँ पर यूज़ किया गया है। वैसे देखने में और सोचने में तो ये चीज़ इम्पॉसिबल ही लगती है कि भला ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये दुनिया है, जब तक हम किसी भी चीज़ को पहली बार नहीं देखते वो चीज़ हमें शायद इम्पॉसिबल ही लगेगी। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो अपलोड किया है 3MR आमिर ने। आज ये एक सुनसान पड़ी हुई इमारत का जायजा लेने आए हैं जो कि दिखने में ही काफी ज्यादा डरावनी लग रही है। ये जगह बहुत ज्यादा छोटी और सफोकेटिंग भी है बट उसके बावजूद ये आगे बढ़ते रहते हैं। इनको यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें मिलती हैं जो ये साबित करती हैं कि अब भी कोई इंसान यहाँ पर आता जाता है, जैसे प्लास्टिक के टुकड़े और खाली सोडे की कैंस। जब बाहर निकलकर उनका कैमरामैन कैमरे को पैन करता है तो वो ये देखकर दंग रह जाते हैं कि वहां पर एक फुली फंक्शन कार खड़ी हुई है। इस वक्त जो आपके और मेरे मन में बात आ रही है वही ये लोग भी सोचते हैं कि यहाँ पर इस खंडर इमारत के बाहर ये कार क्या कर रही है। इसका मतलब ये निकलता है कि यह बिल्डिंग जितनी सुनसान दिखती है उतनी एक्चुअल में है नहीं, यहाँ पर कोई तो है। फिर ये लोग जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो जब टॉर्च दीवार पर मारते हैं तो वहाँ पर इन्हें दो आंखें दिखती हैं। दोनों ही बंदे बुरी तरह से डर जाते हैं लेकिन हिम्मत से काम लेते हुए भागकर उसका पीछा करते हैं। ये बंदे और भी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता और ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है।
वीडियो के एंड में एक दरवाजे में से एक फिगर दिखाई पड़ता है और वो कैमरामैन के पीछे भागने लगता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ये दोनों ही बंदे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं और इनका कैमरा भी बंद हो जाता है। हालांकि ये यहाँ से भागने में तो कामयाब रहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि वो इंसानों का एक ग्रुप था या फिर कोई पैरानॉर्मल शक्ति थी जिससे इन्होंने पंगा लिया था। ये वीडियो अपलोड किया है मिस्टर हेमर ने और ये रेगिस्तान में पड़े हुए एक सुनसान घर के अंदर आए हैं और यहाँ का जायजा लेने वाले हैं। सबसे पहले ये अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने ऑडियंस को बताते हैं कि मैं आज यहाँ पर आया हूँ और मैं क्या क्या करने वाला हूँ, और फिर ये आगे बढ़ते हैं। जब भी अपनी फ्लैश लाइट इधर उधर मारते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ खंडर इमारतों के अलावा और कुछ नहीं है। जमीन पर भी सिवाय टूटी बूटी चीजों के और कुछ नजर नहीं आता। फिर भी वो इस आशा के साथ आगे बढ़ते हैं कि शायद आगे कुछ मिल जाएगा। ये बंदा वीडियो में कमेंट्री करके ये बताता रहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी अचानक से इनका जो एक टीम मेंबर है उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है और वाकई में वो भयानक है। वो सफेद पोशाक पहना फिगर कुछ सेकंड के लिए ही नजर आता है और फिर गायब हो जाता है। अब इस टीम का जो एक्साइटमेंट था वो डर में बदलने लगा है, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ते हैं और देखना चाहते हैं क्या है। हालांकि ये लोग आगे बढ़ते हैं और जिस दीवार के पास में वो फिगर गायब हुआ था उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई नजर नहीं आता सिवाय रेगिस्तान के सन्नाटे के। आइए देखते हैं। انت بشر ولا جن؟ تكلم. अब सवाल यहां पर यही उठता है कि भला वो क्या चीज थी और इन लोगों के ऊपर नजर क्यों रख रही थी और आखिर वो कहां गायब हो गई। जब तक आगे और इन्वेस्टिगेशन ना हो शायद इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। ये फोटो एक गार्डन का है और रात के टाइम का है। हम यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक जिम इक्विपमेंट बिना किसी पर्सन के अपने आप ही हिल रहा है। कई लोगों ने इस पर कमेंट करके कहा कि शायद कोई भूत प्रेत है जिसे एक्सरसाइज करना है, जिसे थोड़ी कसरत करना है, वो यहाँ पर बैठा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये तो खैर शायद मजाक की बात हो सकती है, लेकिन ये है वीडियो बड़ा अजीब और सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई लोग इतने महान थे कि उन्होंने ये कमेंट कर दिया कि शायद तेज हवा चल रही होगी उसकी वजह से ये मूवमेंट कर रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना भारी भरकम इक्विपमेंट हवा की वजह से मूवमेंट कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस टाइप की चीज़ें देखते हैं तो अक्सर वो ये कहने लगते हैं कि शायद ये रिमोट से चल रही होगी, बट मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई भी जिम इक्विपमेंट रिमोट से चलता हो। हंड्रेड परसेंट ये किसी पैरानॉर्मल शक्ति का काम हो सकता है। अगर आपके पास इससे बेटर कोई एक्सप्लेनेशन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो आया है यूके से जिसे अपलोड किया था एक्सप्रेस एंड स्टार ने। ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल रहा कि इसे वहाँ के न्यूज़ चैनल ने भी दिखाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बंदा इस पब का मालिक है। ये एक शाम को जब पब के ग्लासेस धो रहा था, साफ सफाई करवा रहा था, उसी टाइम इसकी नज़र पड़ती है कि इसका मोबाइल नहीं मिल रहा। इसे याद आता है कि मैंने एक टेबल के ऊपर मोबाइल रखा था, लेकिन जब वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ मोबाइल इसे नज़र नहीं आता। तभी अपने सीसीटीवी कैमरास चेक करता है और उस टेबल के ऊपर जूम करता है तो ये देखकर चौंक जाता है कि इसका मोबाइल अपने आप ही गायब हो चुका है। और ये चीज़ बिल्कुल साफ साफ सीसीटीवी कैमरा में भी नजर आ रही है कि मोबाइल नीचे गिरा बट गायब हो गया। आशा करता हूँ कि आप देख पा रहे होंगे कि इसका मोबाइल किस तरीके से खसक कर नीचे गिरा था। ओनर खुद ये मानता है कि ये जो पब है ये हॉन्टेड है और यहाँ का जो पहले मालिक था जिसका नाम था गैरी स्टीवंस, उसकी आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती है। यहाँ के स्टाफ बताते हैं कई बार हमने आवाजें सुनी है और एक बार तो एक स्टाफ को ऐसा लगा मानो पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया हो। लेकिन ये सारी बातें तो ठीक है, बट समझ में ये नहीं आता कि भला कोई भी अगर भूत प्रेत आत्मा है तो वो इस फोन का क्या करने वाली है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट।
ये वीडियो खुद डेली मेल ने अपलोड किया है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे डेली मेल कितनी बड़ी न्यूज एजेंसी है। ये फुटेज भी एक पब का है और बताया जाता है कि ये पब तकरीबन 270 साल पुराना है और यहाँ पर एक वाइट लेडी का भूत भटकता है। वाइट लेडी जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहूंगा, एक ऐसी औरत जो सफेद कपड़ों में नजर आती है। इस जगह के एक नहीं बल्कि कई ऐसे हादसे हैं जहां पर लोगों ने इस औरत को देखा है या फिर इसे महसूस किया है। कई लोग यहां तक ये भी दावा करते हैं कि अगर आप इसे परेशान करते हैं तो ये सीधे आपकी जान ले लेती है। इस फुटेज में अगर आप उल्टे हाथ की तरफ की खिड़की में देखेंगे तो वहां से वाइट लेडी आती हुई नजर आती है, यानी कि एक धुएं जैसी छवि, एक धुएं जैसी आकृति है जो हमें बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। वो खिड़की से अंदर आई और फिर हॉल की दिशा में आगे बढ़ गई। कई लोग ये भी दावा करते हैं कि इस बिल्डिंग के आसपास में पुराने जमाने में कोई चर्च या फिर मोनेस्ट्री थी और उसी के अंदर कोई नन थी और उसी नन का भूत यहाँ पर भटकता है। क्या आप मानते हैं कि पुराने जमाने की ऐसी चीजें जो आज खंडर बन चुकी हैं वो भूत, प्रेत और आत्माओं का अड्डा होती हैं? अगर आप इससे एग्री करते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। होगा तो बताइए आप क्या हो सकता है ये? वैसे मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। हो सकता है कि इस घर का ये पहले कोई ऑनर हो, मर गया हो, उसके बाद उसकी आत्मा यहाँ पर भटक रही हो। वैसे ये बात तो साफ है कि हमें बिल्कुल साफ साफ क्लियरली ये नज़र आया कि कोई वहाँ पर सामने पारदर्शी चलता हुआ नज़र आ रहा है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है जहाँ पर हमने देखे कुछ डरावनी वीडियोज़, कुछ भूता वीडियोज़। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर शेयर भी कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।